काफला टीवी देख रहे हैं सब दर्शकों नूं कुलदीप गिल वल्लों प्यार सत्कार नाल निघी जी आया सत श्री अकाल प्रवान होवे। काफला टीवी सत्ते दिन 24 घंटे तुसीं क्रॉस कनेडा अमेरिका वखो वखरे मुल्कां दे विच देखदे हो जी। तुसीं अगर यूट्यूब चैनल नूं नहीं सबसक्राइब किया हैगा तां काफला टीवी दा जो कि चैनल हैगा यूट्यूब चैनल दे उत्ते तुसीं सबसक्राइब कर सकदे हो। फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक ते नाल दी नाल काफला टीवी दा जिहड़ा पेज हैगा उस नूं भी सबसक्राइब किया जा सकदा। हमेशा साड़ी कोशिश हुंदी है दर्शको तुहाडे वास्ते नवें नवें एपीसोड साडे भारत दियां पंजाब दियां कुछ साडे इस मुल्कां जिहड़ियां तुहाडे नाल गल्लां बातां कीतियां जाण, क्योंकि कुछ ना कुछ अवेयरनैस असीं जे साडे को प्लेटफॉर्म है तुहाडे वास्ते अवेयरनैस दियां गल्लां बातां कीतियां जाण। हमेशा दी तरह अज साडे स्टूडियो दे विच सुरेंद्र काशिप जी पहुंचे ने जो कि बड़े लंबे समय तो वाशतू की विद्या दे विच ने ते सत्तवीं पीढ़ी जिहड़ी सत्तवीं पुश्त वाशतू की विद्या के काम करते आ रहे हैं कनेडा की धरती से पहुंचे ने। तुसीं भी कॉल करना चाहते है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर ने 437-518-0034 उत्ते जी कॉल की जा सकती है। तो पहला आपां वेलकम करते हैं जी सुरेंद्र काशिप जी। जी हाँ, निघा स्वागत, वेलकम जी। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी। हमेशा की तरह आप दर्शकों नूं दसते आ रहे हैं जी वाशतू की विद्या हैगी एक सिर्फ ये विद्या हैगी जिदा जी तुसीं इस दे विचों एनर्जी जी कि घर के जनरेट करनी आपके घर का आला दुआला कि डायरेक्शन आ ईस्ट वैसट नॉर्थ साउथ जे तुसीं कोई बिजनेस रन करते हैं बिजनेस चला रहे हैं तो उस घर की जी कि डायरेक्शन होनी चाहिए आ। जे तुसी पॉलिटिशियन है तो उस घर की किधर नूं डायरेक्शन होनी चाहिए आ। अगर मैडिकल फील्ड के तुसी लॉयर है जां तुसी स्पोर्ट्स है तो वो जिहड़ियां डायरेक्शन ने तुहाडी घर की एनर्जी तुहाडे दे विच किधर जिहड़ी आपां उस नूं कन्वर्ट कर सकते हैं जी। आपां जिहड़े सवाल सानूं जिहड़ियां तुहाडियां फोन कॉल्स तुहाडे जिहड़े टैक्स मैसेज साडे तक पहुँचते हैं तो वह आपां जिहड़े सवाल आपां काशिप जी उन्हां दे कोलों पुछदे हैगे जी। आपां गल करदे हां काशिप जी, पहलां आपां वकील की भी गल कर ली हैगी आ, मैडिकल की डॉक्टरों की भी गल कर ली हैगी आ, पॉलिटिशियन की भी गल कर ली आ, जिहड़ी हुण आपणा एपीसोड हैगा इस दे विच आपां गल करांगे म्यूजिक इंडस्ट्री हैगी आ, बड़ी एक बहुत वड्डी इंडस्ट्री हैगी आ पूरी वर्ल्ड वाइड। आपां गल करिए इस दे विच वी लोकी कई बड़ा उन्हां दे कोल टैलेंट हुंदा हैगा, बड़ी वड्डी स्किल हुंदी हैगी आ, पर वह कामयाब नहीं हो सकदे हैगी। उसते जिहड़ियां डायरेक्शन ने की मैटर करदियां ने, क्यों नहीं वह कामयाबी, पर लोग उस नूं सुनना चाहते ने पर बुलंदियां तक वो आसमान तक नहीं पहुँच सकता है, की वजह हो सकती उसकी जी। हरे कृष्ण जी। सारे घर में या किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी ऑफिस में हर एनर्जी के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन निर्धारित की गई है। ते नॉर्थ ईस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, घर का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जिन्ना साफ होएगा नॉर्थ विचों नवी नवी अपॉर्चुनिटीज़ आन गई, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी कि असी नॉर्थ ईस्ट तो थोड़ा जा ईस्ट नू चलिए तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज डायरेक्शन ऑफ एन्जॉयमेंट एंड हैप्पीनेस। उस एरिए दे विच जे असी कोई अपना इंस्ट्रूमेंट रखिए, जे सानू स्पैनिश बजाने का शौक है असी स्पैनिश रखिए, तबला बजाने का शौक है असी उत्थे तबला रखिए। मेक श्योर दैट एरिया हैज़ टू बी एब्सोल्यूटली क्लीन, क्योंकि वास्तु का पहला ही असूल हैगा नो क्लटरिंग इन द हाउस, जस्ट डी क्लटर योर हाउस। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हम जैसे ही साफ कर लेते हैं यहाँ पर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हों, फिर अचीवमेंट की जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट, और इसके अलावा आपकी जो स्किल है आपने इंस्ट्रूमेंट तो वहां रख दिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में इंस्ट्रूमेंट रख दिए, अब किस इंस्ट्रूमेंट में आप अपना ज्यादा ख्याति प्राप्त करना चाहते हो, किस इंस्ट्रूमेंट से अगर आप वहां पे आप गाना चाहते हो तो अपनी ही फोटो आप साउथ वेस्ट में लगा दें, और वहाँ पे कुछ अगर आप गाना चाहते हैं तो वोकल की कुछ किताबें वहाँ पे रख दीजिए, तो तुसी हौली हौली पाओगे कि तुहाडा वोकल दे विच इंटरेस्ट जड़ा आएगा और तुहाडी ख्याति भी होनी शुरू हो जाएगी कि साउथ वेस्ट इज डायरेक्शन ऑफ स्किल, वेस्ट इज डायरेक्शन ऑफ फुलफिलमेंट्स गेन्स एंड
ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज डायरेक्शन ऑफ एंजॉय एंड हैप्पीनेस। ते अगर उस जगह इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे, जो तुसी इंस्ट्रूमेंट का अभ्यास भी करना चाहते हो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट दे विच एक नीले रंग का आसन बना के मेक श्योर ये जो जमीन है, इस जमीन में बड़ी ताकत है, इस जमीन में बड़ी ताकत है। सारी कॉस्मिक फोर्सेस, सारी मैग्नेटिक फोर्सेस, जब आप जमीन पर बैठते हो तो आप इनको लेने के हकदार हो जाते हो। आप नंगे पांव अपने गुरु का ध्यान करके अपने गुरु की फोटो इसी डायरेक्शन में लगाएं, जिसको भी गुरु मानते हैं। बिना गुरु के गति नहीं है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है, वही विष्णु है, वही शिव है। तो जब आप गुरु की ही शरण में चले गए तो हर चीज आनी शुरू हो जाती है। तो आप नीले रंग के आसन में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बैठ के वेस्ट डायरेक्शन की ओर मुंह करके जब आप रियाज करेंगे तो आप पाएंगे कि थोड़ा सा रियाज भी, 2 घंटे का रियाज भी आपको 20 घंटे के रियाज जितना फल देना शुरू कर देगा। जी हुण गल करदे आं, तुसीं जी गल कीती हैगी आ ईस्ट कॉर्नर दी, ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर दी गल कीती हैगी आ, पर नाल दी नाल जिद्दां आपां गल करिए पहले समयां दे विच राजे महाराजे हुंदे सी घर दे विच, जिहड़ियां टॉयलेट जां वाशरूम जिद्दां राजे महलां दे विचों बाहर हुंदे सी, अंदर नहीं हुंदे सीगे घर तों, बिल्कुल ठीक, क्योंकि की वजह सीगी, क्योंकि राजे महाराजे जो कुछ मर्जी कर सकते सी, उन्हां कोल सारी प्रजा दा जिहड़ा पैसा हुंदा सीगा, लोकतंत्र हुंदा सी उन्हां दे कोल कुछ भी, पर की ओह वी वास्तु दे विच विश्वास रखदे सीगे? बिल्कुल, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल महल जड़े है, किसी भी महल में कभी भी किचन नहीं मिलेगी, किसी भी महल में कभी भी टॉयलेट नहीं मिलेगा। हाँ, किले के अंदर टॉयलेट होते थे, वॉशरूम होते थे, नहाने का फिर भी आपके महल में होता था, पर टॉयलेट की एक्टिविटी टॉयलेट में अपने महल में नहीं होती थी, किले में तो होती थी। इसी तरीके से किचन किले में तो होती थी, महल में नहीं होती थी। महल में खाने की एक जगह है, वहाँ संगीत रियाज की एक जगह है, वहाँ पे कोप भवन है जहाँ पे जाके आप अपना दुख हल्का कर सकते हो। फिर वहाँ पे शस्त्र विद्या की, जो साउथ वेस्ट की जगह थी, वहाँ पे लोग अपने शस्त्र का अभ्यास करते थे, क्योंकि साउथ वेस्ट इज डायरेक्शन ऑफ स्किल। अगर आपको अपने शस्त्र विद्या में, कुछ लोग वहाँ पे अपने शास्त्र भी रखते थे, शस्त्र और शास्त्र दोनों इकट्ठे चले तो ही एक अच्छा राजा बना है। अपने शास्त्र का ज्ञान होना, अपने जो सनातन पद्धति है उसके ऊपर अपना पकड़ होना, और फिर शस्त्रों पे पकड़ होना, तो उन दोनों की विधा के लिए सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट था। तो इसी तरीके से जब हम अपने म्यूजिक में भी आगे अपना बढ़ना चाहते हैं, तो आप साउथ वेस्ट में अपनी जिस चीज़ में स्किल चाहिए वहाँ पर आप रखें अपने इंस्ट्रूमेंट्स, तो आप देखेंगे स्किल ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। जी हुण गल करते हैं आप जी, क्योंकि सिंगिंग एक्टर की भी गल हो गई हैगी, जो एक्टर कोई बनना चाहता है उस बारे भी साढ़े जी जरूर दर्शकों के नाल गल करो, दसो, क्योंकि जे कोई सिंगर भी बन गया है उस शास्त्र विद्या भी उन्होंने चलो ले लिया, तो एक्टर जे आपका उन्होंने बड़ा टैलेंट हैगा उस दे विच ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਟਿੰਗ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੱਕ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? किसी भी चीज़ विच अगे वधन वास्ते मेक श्योर के घर का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हमेशा ही असी साफ रखना है, वधिया रखना है। उत्थे कोई टॉयलेट नहीं है, किचन नहीं है, मेक श्योर के तुहाडे कोल नवी नवी अपॉर्चुनिटीज़ आन गईआं। हुण एक्टर बनन वास्ते, एक सफल एक्टर बनन वास्ते तुहानू की चाहिए? हर चीज़ के चार पाए है। पहला चाहिए नवी अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि नॉर्थ नू साफ रखो। दूसरा चाहिए कलैरिटी, नॉर्थ ईस्ट नू क्लीयर रखो। तीसरा कि तुहाडा एंजॉयमेंट वास्ते, हैप्पीनेस वास्ते, क्योंकि जड़ा एक्टिंग का काम है वो बेसिकली दूजा की एंजॉयमेंट है, जे तुहाडी एंजॉयमेंट भी हैगी है, पर दूजा की एंजॉयमेंट भी हैगी है, दूजा नू हैप्पीनेस देने वास्ते हैगी है एक्टिंग दी फील्ड। ते नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट
इनू भी असी साफ रखांगे। इहदे बाद सानू दो चीज़ां होर चाहीदियां हैगियां। पहली चीज़ चाहीदी हैगी है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन वास्ते सानू ईस्ट डायरेक्शन नू साफ रखांगे ते साडे सोसाइटी नाल पब्लिक नाल कॉन्टैक्ट बनणगे। हुण सानू अपने यारां दोस्तां दी यानी कि किसी डायरैक्टर दी, किसी प्रोड्यूसर दी, किसी म्यूजिक डायरैक्टर दी सपोर्ट चाहीदी है। इहदा मतलब असीं अपने घर दे नॉर्थ वैसट विच जे अपने डायरैक्टर दे बहुत सारे नाम लिख के लगा दिंदे हैगे आ, या उत्थे कोई टॉयलेट नहीं है उहदी भी सफाई रखदे हैं, उत्थे बहुत सारे म्यूजिक डायरैक्टर दे नाम लिखदे हैं, ते साडा अपने आप उहनां नाल संबंध बनना शुरू हो जाएगा। और अपनी फोटो पहले तो सानू अपने नाल ही प्रेम होना चाहिदा हैगा। ते एक जिहड़ी जगह हैगी है वास्तु शास्त्र दे हिसाब नाल, वास्तु एनर्जीज दे हिसाब नाल, मैं वास्तु एनर्जीज ही बोलांगा क्योंकि वास्तु शास्त्र बोलदे ही लोगों के दिमाग दे विच किसी एक धर्म के प्रति आंदा है कि शायद ये उस धर्म नाल जुड़िया, बल्कि ये उस धर्म नाल तो चलो जुड़िया है लेकिन है ये सनातन, ये सनातन पद्धति है। मैं सारी दुनिया नूं ये सुनेहा देना चाहना हैगा कि सनातन पद्धति ही असली जीवन जीने की कला है। असी जे वास्तु शास्त्र की एनर्जीज को अगर हम ढंग से ले लेते हैं, इसको ढंग से समझ लेते हैं, तो हमारा जीवन चाहे हम जिस मर्जी देश में रहें हमारा जीवन ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। जी तुसी गल की हैगी भी किसी धर्म न किसी भी जी वास्तु शास्त्र के नाल लोग कई बार कह लग जाते हैं ये होर चीज़ है, पर कल्ले अपने इंडियन ज भारती लोग जां होर भी कम्यूनिटियां इहदे उत्ते जिहड़े होक तुसीं वक्खो वक्खरे मुल्कां दे विच जाने हैगे आ उह वी लोक विश्वास रखदे ने, मतलब विश्वास दा कि इहनां दे उत्ते वर्कआउट करदे ने। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्रीक हिस्ट्री में कितने ही एस्ट्रोलॉजर अपने समय पे हुए, जो अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर के जो पहले गुरु थे एरिस्टोटल, वो एस्ट्रोलॉजर थे, वो वास्तु कंसल्टेंट थे। चाइना में जो फेंगशुई साइंस है, ये मैं इस उसमें नहीं पढ़ना चाहता ये कहाँ से है, एक्चुअल में तो वो इंडिया से ही गई हुई है। अगर हम अपना देखें कि वहाँ पे जो मेंढक है, जो तीन टांग वाला मेंढक है जिसके ऊपर हमने पैसे रखे हुए हैं कि वो घर की ओर अगर आते हुए घर की एंट्रेंस पर रखेंगे तो घर में पैसा आएगा, तो अगर आप वैदिक साइंस में पढ़ें तो कुबेर जी का मुंह मेंढक जैसा बताया गया है, कुबेर जी की आंखें मेंढक जैसी बताई गई हैं, कुबेर जी की तीन टांगें ही बताई गई हैं, उनको लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद है वो तीसरी टांग स्वरूप ही मिला हुआ है। तो ये सब बिल्कुल उस तरीके से सिंबॉलिक हैं, ये प्रतीकात्मक में हैं कि ये वैदिक साइंस से वहाँ पहुँचा हुआ है। तो दुनिया में कहीं पे भी एस्ट्रोलॉजी है, कहीं पे भी, क्योंकि अगर हम अपना मैं मत को देंगे, जो पूरी की पूरी मैं सभ्यता थी वो अपना वास्तु शास्त्र से इन्फ्लुएंस थी। दुनिया में जहाँ जहाँ पिरामिड बने हैं, दुनिया में खाली अकेले पिरामिड अपना इजिप्ट में नहीं है, और जो इजिप्ट में पिरामिड बने हैं उसका संबंध भी वास्तु से है। अगर इसको डिटेल में अपना पढ़ा जाए तो आई कैन रियली प्रूव इट, एंड आई कैन प्रूव इट साइंटिफिकली कि उस पिरामिड में ही उतनी एनर्जी क्यों है। आप ये हालांकि इस उसका विषय नहीं है, लेकिन हर चीज़ के सेंटर में एक एनर्जी होती है, और जो पिरामिड है, पिरामिड के नीचे से 1/3 के ऊपर, ऊपर से 2/3 छोड़ दिया जाए, नीचे से 1/3 के ऊपर एक एनर्जी फ्लो कर रही है। पिरामिड का मतलब क्या है? पायरामिड इन ग्रीक लैंग्वेज, पायरा इज फायर एंड मिड इज ऑलवेज मिड। तो एक स्क्वेयर कमरे में उसके सेंटर में से एनर्जी जा रही है, एक पिरामिड के बीच में से सेंटर में जा रही है, तो सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से वास्तु शास्त्र में घर का मध्य हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जितना घर का मध्य हिस्सा साफ होगा, मेक श्योर ये खुला होना चाहिए, ओपन टू स्काई नहीं होना चाहिए। ओपन टू स्काई होगा तो सारी एनर्जी यहाँ से निकल के बाहर की ओर भागेगी। तो सेंटर का हिस्सा आप कवर कीजिए, डबल हाइट करिए, मेक श्योर यहाँ कोई सीढ़ी नहीं हो, यहाँ कोई टॉयलेट नहीं हो, आप पाएंगे घर आपका एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। जी और वाकई ही ये नहीं जी हूँ तो दस दिता डिटेल दे विच, ये नहीं गा भी कल्ले आपां भारती जां पंजाबी जां इस दे विच आ, ये तां दुनिया दे विच वर्ल्ड वाइड जिहड़ा हैगा इस दे उत्ते जिहड़ा लोकी इहदे उत्ते जिहड़ा वर्कआउट करदे ने, घर दी एनर्जी नूं आपदे जीवन दे विच लैके आउंदे ने, घर नूं तुहाडी लाइफ तुहाडी जिंदगी किदां बदल सकदे। अखीर दे विच
जिहड़े साडे इंजीनियरिंग जिहड़े स्टडी करदे ने इन्नी मेहनत करके कई बार वह इंजीनियरिंग दे विचों कामयाब नहीं हुंदे, वार वार वह ट्राई करदे ने, वह किद्दां बन सकदे ने इंजीनियरिंग। हरे कृष्ण जी, मैं कुलदीप जी से अपना बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त लूँगा और मैं मानता हूँ कि वो काफिला के दर्शकों को ये जरूर अपना सुनने का मौका देंगे। मैं खाली इंजीनियर्स की बात ही नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि आज के समय में सपोर्ट्स की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है जी। कोई अच्छा क्रिकेटर, कोई अच्छा अपना बैडमिंटन प्लेयर, कोई अच्छा लॉन टेनिस प्लेयर, कोई अच्छा फुटबॉलर, कोई अच्छा बास्केटबॉल वाला, या कोई अच्छा आप समझे तीरअंदाज हो गया, या कोई अच्छा रेसलर हो गया, इनके बारे में भी बताऊंगा जी। एक इंजीनियर के लिए और एक रेसलर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, साउथ इज अगेन डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का जो हिस्सा है ये आपकी शारीरिक क्षमताओं को विकसित करने की जगह है। अगर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में हम इस एरिया को क्लटर फ्री कर देते हैं, यहाँ पे आप क्योंकि जो मेन एनर्जी है उसका कलर यहाँ पे लाल है, तो यहाँ पे लाल रंग के पाउच में अगर हम कुछ बादाम रख दें, लाल रंग के डिब्बे में यहाँ पे हम देसी घी रख दें, क्योंकि आमतौर पे ये धारणा है, ये धारणा नहीं है, बिल्कुल ठीक है कि ड्राई फ्रूट्स स्पेशली बादाम सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं, घी बहुत अच्छा होता है। तो इस एरिया दे विच जैसी लाल रंग दे डिब्बे दे विच जिहदा ढक्कन लाल होए और डिब्बे दे उत्ते असी लाल रंग दा एक असी अपना पेपर लपेट दईए और उस देसी घ्यो पा के रखिए और 15 दिन बाद उन्हों से यूज़ कर लिए और फिर नवा होर रख दईए, तो उहदे नाल आदमी की शक्ति बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, अच्छे स्टूडेंट इंजीनियरिंग के बनना चाहते हैं, तो घर का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो हेल्थ का है, जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, द मोमेंट योर हेल्थ इज ऑल राइट एंड योर बॉडी स्ट्रेंथ इज ऑल राइट, योर इम्यूनिटी सिस्टम इज बाउंड टू बी एब्सोल्युटली गुड। सो वंस यू बीन एबल टू अचीव दीज टू थिंग्स, तो आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट साफ रखें, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आप ये बादाम रखें, तो आप पाएंगे आपकी सेहत अच्छी है, आप अच्छे एथलीट बन सकते हैं। अब आपको अगर फुटबॉल में आपको अब ये स्किल है, अगर आपको बैट्समैन बनना है, क्रिकेट में आपको बॉलर बनना है तो बॉल, अगर आपको विकेट कीपर बनना है तो आपके विकेट कीपिंग के ग्लव्स, आपके पैड आप येलो कलर में साउथ वेस्ट में रखें, आपका जो फुटबॉल है वो किसी भी कलर का हो लेकिन उसे येलो एक अपना थैले में डाल के आप वहां पे एक अपना पाउच में डाल के वहां पे रखें, तो आप पाएंगे कि उस फील्ड से रिलेटेड, अगर आप अपना टेनिस प्लेयर हैं तो वहां पे आपका टेनिस रैकेट आप वहां पे साउथ वेस्ट में रखते हैं, तो वो स्किल का जोन है, आपकी स्किल बढ़ती चली जाएगी, उधर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो आप पाएंगे तुसी थोड़ी जी भी मेहनत करोगे तो उधर तुहानू रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, तुसी मेहनत करोगे तुसी थकोगे नहीं, योर स्टेमिना, यू सी योर स्टेमिना इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द डायरेक्शन ईस्ट और साउथ ईस्ट, एंड योर इम्यूनिटी विच गॉट टू बी बूस्टेड, इट इज बींग रिप्रेजेंटेड, द पोर्टफोलियो ऑफ योर इम्यूनिटी बिलोंग्स टू नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये तीन डायरेक्शन अगर बढ़िया होंगी और फिर जो कोई आपका आइडियल है, समझो अगर आप क्रिकेटर अपना बनना चाहते हैं, रिकी पॉन्टिंग है आपका आइडियल, तो रिकी पॉन्टिंग की फोटो आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए, आप तेंदुलकर की फोटो वहां पे लगा दीजिए, आप जिस भी फील्ड के हैं, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके जो लीजेंड स्टार्स हैं, उसमें जो धुरंधर था, जिस तरह फुटबॉलर आप बनना चाहते हैं तो जो अपना पेले साहब हैं, आप उनकी फोटो वहां पे लगाइए, तो आप पाओगे कि उस फील्ड में आपकी ख्याति बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर भी अगर किसी आदमी को फर्दर कुछ और डिटेल में, क्योंकि ये तो मेन डायरेक्शन है, इसके अलावा असी होर भी कई चीजा कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज ऑल लिंक ऑल दीज थिंग्स विद एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अगेन मैटर ऑफ बैलेंसिंग एनर्जीज, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एनी मिथ, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन, द ओनली थिंग इज इट इज बींग एडेप्टेड बाई सनातन पद्धति, जिसे हम लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो
तो अपने अगर आप एक अच्छे फुटबॉलर बनना चाहते हो, हर रोज सुबह उठ के उस फुटबॉल को अपने ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। जो आपका टीचर है जिससे सीख रहे हैं उसको ग्रेटिट्यूड इस संसार में सबसे बड़ी ताकत है। अपने पेरेंट्स को, अपने फुटबॉल को, अपने क्रिकेट बैट को, अपने जो भी आपका जो मन में जो लेजेंड है, आप जैसा बनना चाहते हैं उसको हर रोज ग्रेटिट्यूड दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इम्यून सिस्टम बढ़िया है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आपकी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़िया है, साउथ वेस्ट आपने बढ़िया किया हुआ है और ग्रेटिट्यूड फीलिंग आप में है, तो आप दुनिया की कोई भी ऊंचाई पा सकते हैं। आप 10+ तेंदुलकर बन सकते हो, आप 10+ पेले बन सकते हो। जी बहुत ही वधिया जी तुसी दस्या जी काशिप जी, जो कि डिटेल दे विच बहुत वधिया डिटेल दे विच साडे दर्शकां दे नाल सांझ पाई दस्या हैगा वी तुसी किद्दां आपदी जिहड़ी हैगी आ वास्तु दे नाल तुसी आपदी एनर्जी नूं होर 10 वाए तुसी होर उहनां तों उपर वी जा सकदे हैगे हो। हमेशा साडी कोशिश हुंदी है दर्शको जिन्ने वी साडे स्रोते साडे दर्शक नाल जुड़े होए ने तुहाडे वास्ते तुहाडी लाइफ दे विच जे कोई मुश्किलां आ रहियां ने जां तुसी कामयाबी तुसी करना चाहुंदे हैगे हो, कामयाबी लैणा चाहुंदे हो पढ़ाई दे विचों जां तुहाडे बिजनेस अदारे दे विचों तुसी फेल हो रहे हैगे हो, किद्दां कामयाब हो उस दीआं डायरेक्शनां वास्तु दे विच तुसी विश्वास रखदे हो, तां फोन नंबर 437-518-0034 दे उत्ते स्क्रीन ते दित्ते गए नंबर ने इन्हां नूं कॉल कीती जा सकदी आ। कनेडा दे विच पहुंचे हुए ने थोड़े समय वास्ते तुसी इन्हां नूं डिटेल होर जानकारी वास्ते कॉल कीती जा सकदी आ। हुण असीं लैणे आ इजाजत, इस तों बाद दे विच फिर जुड़दे आ, तद तक सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।